बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जुगाड़ वाली रेसिपी चिकन की। हाँ जी बिल्कुल, हम जुगाड़ वाली रेसिपी बना रहे हैं। जब चिकन आपके पास कम हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और अफराद ज्यादा हो, चिकन भी हमें बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए ये मैंने तीन लिए हैं मीडियम साइज के, मैंने लिए हैं टमाटर और एक शिमला मिर्च मैंने लिया है, और दो मैंने एक ये बड़ी साइज का आलू है और एक छोटी साइज का आलू है, और जिसके लिए ये मैंने ली है बड़ी इलायची ली है, और दालचीनी का टुकड़ा लिया है और तेजपात लिए हैं। ये ऑयल डाल के मैंने रख लिया है पकने के लिए, थोड़ा सा जैसे ये खुशबू इसकी आएगी, थोड़े से ये हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो हम अपना ये चिकन डालेंगे इसमें। जी तो कभी कभार होता है कि कभी हमारे फ्रिज में जो है फ्रीजर में कम चिकन पड़ा होता है, तो अफराद ज़्यादा होते हैं तो हमें सालन बनाना है, तो हम कैसे वो सालन बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसे आप बनाएं तो आपका सालन भी माशाल्लाह से बहुत ही जो होता है मज़े का बनेगा, और उसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हम ये अपना चिकन जो है वो डाल लेते हैं। ये हमारा चिकन जो है अभी ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं, अभी से थोड़ा सा भून लेते हैं। ये हमारे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, और मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल लिया, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया इसमें, आधे कप से भी कम डाला, दो से चार चम्मच मैंने पानी में इसका इसमें पानी का डाल दिया, ये हमारे जो मसाले हैं वो ना जले। तो एक चम्मच ये मैं कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ, ये डाल रही हूँ इसमें, और ये चौथाई चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च का, और चौथाई चम्मच ये डाल रही हूँ मैं हल्दी, और एक भर के ये ले रहे हैं हम जो है धनिया पाउडर, और ये चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर ये डालिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया इसे, और अभी ये टमाटर जो हमने काट के रखे थे ये इसमें डाल लेते हैं, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी हमारा चिकन बन के तैयार हो जाता है, और चाहे तो आप इसे चिकन और आलू का सालन भी कह सकते हैं, और इसे कढ़ाई भी कह सकते हैं। मैं जुगाड़ वाला चिकन इसीलिए इसे कह रही हूँ, अभी इसे ढक लेते हैं। मैं जुगाड़ वाला चिकन इसलिए इसे कह रही हूँ कि ये हमारा कम चिकन में बन जाता है सालन, इसलिए मैं जुगाड़ वाला चिकन कह रही हूँ। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का हमारा चिकन जो है ना वो बन के तैयार हो जाता है। दो मिनट हो गए हैं, तो हल्की आंच पे मैंने इसे ढक कर रख लिया, तो अभी देखते हैं। ये हमारे जो है टमाटर अभी तो हल्के से हो गए हैं, तो ये अपने आलू जो हैं हमने काट के रखे थे ये डाल देते हैं, इसे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने नमक लिया है, तो ये आधा चम्मच नमक का मैंने इसमें डाल लिया है, तो भी इसमें पानी ऐड नहीं करना, ये टमाटर जो है हमारे वो पानी अपना छोड़ेंगे। तो इसी स्टेज पे हम इसे 5 मिनट तक कवर कर लेते हैं हल्की आंच पे, इसकी ज़्यादा आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे हम इसे कवर कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, अभी चेक कर लेते हैं इसे, देखिए माशाल्लाह से हमारे टमाटर वगैरह जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। इसी स्टेज पे हम ये दही अपना डाल लेते हैं इसमें, ये आधी प्याली जितना मैंने दही लिया है, तकरीबन 6 से 7 खाने वाले चम्मच दही के लिए हैं, वो इसमें डाल लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ी देर से कवर कर लेते हैं, दही को अच्छे से भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, फिर कवर कर लेते हैं इसे, कवर कर लेते हैं। ये हमारी दही का पानी जो है खुश्क हो गया है, थोड़ी देर मैंने इसे भून लिया है, तो ये आधा चम्मच इसमें ये कढ़ाई मसाला डाल लेते हैं, माशाल्लाह से कढ़ाई खुशबू आ रही है इसमें से, और बहुत मज़े का ये जो है हमारा सालन बन के तैयार हो जाता है। ये अभी हमारे जो है आलू जो है वो सॉफ्ट नहीं हुए, तो ये जो दही वाली प्याली थी इसी में मैंने पानी डाल लिया, तो ये आधी प्याली इसमें पानी की डाल लेते हैं, इसे अच्छे से अभी कवर कर लेते हैं हम 5 से 6 मिनट तक, इसे कवर कर लेते हैं। 8 से 7 मिनट हो गए हैं, ये हमारे जो हैं आलू भी ये
ऑलमोस्ट अभी गल गई है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसी स्टेज पे हम ये अपना शिमला मिर्च जो है वो डाल लेते हैं इसे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इतनी मज़े की खुशबू इसमें से आ रही है। वैसे आप जब सालन बनाते हैं चिकन और आलू का तो इतना मज़े का नहीं बनता, वो भी टेस्टी होता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना दुगना हो जाता है। इस तरह से बनाएं आप, ज़रूर आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे भी कवर कर लेते हैं जो हमारा शिमला मिर्च है वो अच्छे से गल जाए। ये हमने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यकीन माने ये रेसिपी जो है ना, इस तरह से आप अगर ये चिकन बनाएंगे तो चिकन भी जो है बहुत कम है इसमें, और ये बहुत टेस्टी बहुत मज़े का ये बन जाता है सालन जो हमारा है। अगर मेहमान आपके घर पे आ रहे हैं तो मेहमानों के लिए भी ये बेस्ट है और बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से ये देख लें, ये हमारा जो है सालन बन के तैयार हो गया है। और इसके ऊपर हम ये धनिया डाल लेते हैं, और आप इसे शिमला मिर्च को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, शिमला मिर्च इसमें मस्त जाएगी ही जाएगी और बहुत इसका जो है ना टेस्ट दुगना कर देती है शिमला मिर्च की वजह से, बहुत टेस्ट इसका जो है ना बढ़ जाता है। तो बहुत ये हमारी रेसिपी अच्छी बन के तैयार हो गई है, तो इसे डिश आउट करते हैं। और एक बात आपसे कहनी थी कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हम क्विकली कहेंगे कि जल्दी से कोई जो झटपट बनने वाली डिश हो वो बना लें और अच्छी हो। तो शामी कबाब तो ज़रूर बनते ही बनते हैं, शामी कबाब में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। हम सोचते हैं कि जल्दी से कोई चीज़ बना लें, तो शामी कबाब आप 1 महीने के लिए फ्रिज करके रख सकते हैं। अगर आप शामी कबाब बनाएंगे मेरे तरीके से तो वो शामी कबाब आपके जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत जल्दी बन जाएंगे, बहुत झटपट बन जाएंगे। मैंने रेसिपी शेयर कर दी है अपने चैनल पर, मैंने शेयर कर दी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ज़रूर आप लोग वो शामी कबाब ज़रूर बनाएँ, और ना चॉपर में डालने का चॉप करने का झंझट है उसमें, और ज्यादा घुटने का है। सिर्फ आधे घंटे में हमारे शामी कबाब जो है ना ढेर सारे शामी कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। तो जरूर आप लोग वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी उसका लिंक, जरूर आप वो देखें, रमजान में बहुत काम आने वाली है वो वीडियो आपकी। तो चले इसे डिश आउट कर लेते हैं अभी। माशाल्लाह से ये देख लें, हमने ज्यादा इसमें जो है वो ज़्यादा शोरमा वगैरह भी हमने इसमें नहीं किया है। और ये देखें, ये बहुत टेस्टी बहुत मज़े की जो है हमारी चिकन बनके तैयार हो गई। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है आपकी चिकन। रमज़ान में ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।